हेलो लर्नर्स, मैं आपका अपना डॉक्टर राम शुक्ला। आई होप आपने मेरी जो मैंने होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड के ऊपर वीडियोस बनाई हैं वो अभी तक देख ली होंगी। यदि आपने नहीं देखी हैं तो आप उनको जाकर देख सकते हैं ये वाली वीडियो ख़त्म होने के बाद। आज हम जिस होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड के बारे में जानेंगे वो है बेलाडोना। यदि बेलाडोना को एक शब्द में समझें तो हम उसको कह सकते हैं मैनिया। बेलाडोना में एक प्रकार का मैनिया देखने को मिलता है और ये तब देखने को मिलता है जब बेलाडोना किसी अपनी डिजीज कंडीशन में होता है। जब वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में होता है तो बेलाडोना एक एंथुजियास्टिक होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन होता है। लेकिन जब वो अपनी किसी डिजीज स्टेट में जाता है तो हमें उसके अंदर एक मैनिया देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। बेलाडोना को हम अब तक एक एक्यूट रेमेडी के रूप में जानते आए हैं, जिसके अंदर हम उसका यूज़ हमेशा या ऐसी फीवर कंडीशन में करते हैं जिसमें फीवर बहुत हाई ग्रेड का होता है, यानी कि 101, 102, 104 डिग्री का फीवर हमें बेलाडोना में देखने को मिलता है, जिसमें पूरा शरीर उसका बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और वो इतना गर्म हो जाता है कि यदि हम उसको हाथ लगा के टच भी करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा हाथ भी जल रहा है। या फिर हम बेलाडोना का यूज़ एक्यूट रेमेडी के रूप में हम इन्फ्लामेशन के अंदर करते हैं, जिसके अंदर मतलब हमारे किसी पार्ट पे यदि सूजन आ जाती है, उसमें रेडनेस हमको दिखाई देती है और टच करने पर हमें उसमें हीट वो गर्म महसूस होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम बेलाडोना का यूज़ करते आए हैं। लेकिन आज हम बेलाडोना के माइंड को जानेंगे कि बेलाडोना के अंदर हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है उसके माइंड के अंदर। सबसे पहला पॉइंट जो हमें बेलाडोना में देखने को मिलता है वो है मेटाफिजिकल इंटरेस्ट। बेलाडोना का जो इंटरेस्ट होता है वो एक मेटाफिजिकल सिचुएशन में होता है। मेटाफिजिकल से मेरा मतलब है, जैसे कि आपने एस्ट्रोलॉजर देखे होंगे या फिर कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिन्हें ऐसा लगता है वो अपने माइंड से ना जाने कितनी चीज़ कर सकते हैं। वो अपने माइंड से किसी चीज़ को हिला सकते हैं, वो अपने माइंड से किसी दूसरे का माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, या उन्हें ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती है, या फिर उन्हें फ्यूचर दिखाई दे जाता है कि उस समय ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसा बेलाडोना का माइंड हमको देखने को मिलता है। इसलिए बेलाडोना हमें ज़्यादातर अपनी डिल्यूजन की स्टेट में ही दिखाई देता है, और ये डिल्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है जब बेलाडोना अपनी डिजीज कंडीशन में चला जाता है। जब वो नॉर्मल होता है तब भी उसके अंदर डिल्यूजन देखने को मिलता है कि वो एक एनर्जेटिक पर्सन होता है, एंथुजियास्टिक होता है, उसके अंदर गुस्सा भी होता है चीज़ों के प्रति, और उसे ऐसा लगता है कि वो अपने माइंड से ना जाने क्या क्या चीज़ें करने लगे। लेकिन तभी जब भी बेलाडोना का कोई डिजीज होती है तो बेलाडोना की यही कंडीशन है कन्वर्ट हो जाती है और उसे भूत दिखाई देने लगते हैं, और या फिर उसे काले जानवर दिखाई देने लग जाते हैं। तो बेलाडोना अपनी डिजीज कंडीशन में जो उसकी नॉर्मल स्टेट होती है उससे कई गुना ज़्यादा डिल्यूजन के अंदर चला जाता है। और यही चीज़ हम कीनोट के अंदर भी पढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, पर्सन हुआ लिवली एंटरटेनिंग वेल बट वायलेंट एंड ऑफन डिलीरियस वेन सिक। तो ये तो हुआ उसका मेटाफिजिकल इंटरेस्ट, यानी कि जो बेलाडोना अपनी नॉर्मल स्टेट में होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो अपने माइंड से कुछ भी कर सकते हैं, किसी दूसरे के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, या अपने माइंड से किसी भी चीज़ को हिला सकते हैं। या आपने देखे होंगे जो ज्योतिष वगैरह होते हैं वो बता देते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आगे ये चीज़ें हो सकती हैं या फिर ऐसा होगा आपकी ज़िंदगी में आगे जाके, वो भी बेलाडोना के माइंड में ही आते हैं। और जब बेलाडोना अपनी डिजीज स्टेट में चला जाता है तो तब हमें ये देखने को मिलता है कि उसके अंदर एक हेलुसिनेशन पैदा हो जाता है, जिसमें उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है, जिसमें उसे हो सकता है उसको भूत दिखाई दे, हो सकता है उसको काले जानवर दिखाई देने लग जाते हैं, या फिर इसके अलावा बहुत सारे लोगों के चेहरे दिखाई देने लगते हैं, या इसके अलावा उसे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं, तो ऐसा उसको हेलुसिनेशन में होने लगता है। बेलाडोना के अंदर दूसरी चीज़ जो आपको देखने को मिलती है वो है उसका वायोलेंस।
वैसे तो बैलेट होना ज़्यादातर आपको मेल देखने को मिलते हैं जो ओपन और वार्म हार्टेड होते हैं, लेकिन उनके अंदर हमें एक वायलेंस देखने को मिलता है। जो बैलेट होना का टेम्पर होता है वो एक्सप्लोसिव टाइप का होता है। आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो कि बहुत अच्छे होते हैं, बहुत खुश मिजाज होते हैं और आसपास का माहौल एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बना के रखते हैं, लेकिन कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि वो अचानक से गुस्से में फूट पड़ते हैं। तो ऐसे लोग बैलाडोना के ही होते हैं, यानी कि बैलाडोना में आपको एक ऐसा गुस्सा देखने को मिलता है जो कि कभी कभी फूटता है, कभी कभी ही उनमें देखने को मिलता है, नहीं तो अदरवाइज वो पर्सन आपको बहुत हैप्पी दिखाई ही देता है। इस वायलेंस के अलावा कुछ बैलाडोना में हमें एक फियर भी देखने को मिलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके घर के अंदर कोई घुस आएगा और उनको मार देगा या उनको पीटने लगेगा, या फिर उनका माइंड ऐसा होता है कि यदि वो किसी के साथ गलत कर देते हैं तो उसका एहसास उनको तब तक नहीं होता है जब तक कोई उन्हें उस चीज़ का एहसास ना कराए। यदि कोई उन्हें उस चीज़ का एहसास नहीं कराता कि आपने इसके साथ गलत किया है तो उन्हें उस गलती का कभी भी कोई एहसास नहीं होता है अपनी लाइफ में। बैलाडोना के वायलेंस में हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि बैलाडोना बॉसी नेचर के होते हैं। वो अपनी ज़बरदस्ती अपने क्लोज वन पर ही दिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी बाहरी आदमी पे अपना दबाव नहीं दिखाते हैं। वो हमेशा अपनी जो बॉसगिरी होती है वो ज़्यादातर अपने क्लोज वन पर ही दिखाते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमें बैलाडोना में उसके वायलेंस की वजह से देखने को मिलता है वो है उसका मैनिया। बैलाडोना के अंदर जो मैनिया देखने को मिलता है वो या तो उसके रिलीजियस फॉर्म में देखने को मिलता है या फिर उसके सेक्सुअल अराउजल के रूप में हमें देखने को मिलता है। या तो बैलाडोना पूजा पाठ वाला हो सकता है बहुत ज़्यादा, या फिर बैलाडोना के अंदर सेक्स की बहुत ज़्यादा इच्छा हो सकती है। बैलाडोना का ये मैनिया इतना ज़्यादा होता है कि उसके अंदर डिल्यूजन की स्टेट पैदा कर देता है जिसकी वजह से उसको हेलुसिनेशन हो सकते हैं, विजुअल और ऑडिटरी, मतलब यानी कि उसे चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, जैसे कि उसे भूत दिखाई देते हैं या फिर उसे चेहरे दिखाई देते हैं या फिर उसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो सकते हैं, जैसे कि उसे आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। तो ऐसा डिल्यूजन हमें बैलाडोना में देखने को मिल सकता है जब वो अपनी मैनिया की स्टेट में होता है। बैलाडोना के अंदर हमें एक पैरानोइया की स्टेट देखने को मिलती है। पैरानोइया से मेरा मतलब है कि या तो बैलाडोना को लगता है कि या तो वो किसी को मार दे या फिर उसे हर्ट कर दे या फिर कोई उसे हर्ट कर देगा या फिर बैलाडोना खुद को ही हर्ट कर देगा, तो ऐसी कंडीशन भी हमें बैलाडोना के अंदर देखने को मिलती है। और आपने की नोट के अंदर पढ़ा भी है कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि वायलेंट डिलीरियम डिस्पोजिशन टू बाइट डिस्पाइस स्ट्राइक एंड टियर थिंग्स वॉन्ट्स टू बाइट एंड स्ट्राइक द अटेंडेंस। तो ऐसा पैरानोइया भी हमें बैलाडोना के अंदर देखने को मिलता है। इस मैनिया के अलावा आपको और भी चीज़ें बैलाडोना के अंदर देखने को मिल सकती हैं। जैसे आपने कुछ लोग देखे होंगे कि वो दिन में ही सपने देख रहे होते हैं, जो काम उनको दिया जाता है वो उस काम पर उनका कोई ध्यान नहीं होता है, वो बस अपने सपने के अंदर ही खोए रहते हैं। इसके अलावा आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, ऐसे लोग भी बैलाडोना की कैटेगरी के अंदर आते हैं। हमने जब अर्जेंटम नाइटिका मेडिसिन पढ़ी थी तो हमने बताया था कि जो अर्जेंटम नाइटिकम होता है वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, चीज़ों को सॉल्व कर देता है। उसका दिमाग ऐसा होता है कि चीज़ों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिठा देता है जो कोई सोच भी नहीं पाता। ऐसी चीज़ हमें बैलाडोना के अंदर भी देखने को मिलती है, और ये कंडीशन इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर मेटाफिजिकल थिंकिंग होती है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपने माइंड से कोई भी चीज़ें कर सकता है, इसलिए वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में भी बैलाडोना को देखा जा सकता है। यही बैलाडोना का एक छोटा सा माइंड था जिसके बारे में अब आप अच्छे से जान गए हैं, जिसके अंदर हमने तीन पॉइंट को सबसे अच्छे से जाना। सबसे पहला उसका मेटाफिजिकल इंटरेस्ट जाना, कि जिसके अंदर हमने ये जाना कि जो जो बैलाडोना होता है उसकी थिंकिंग ऐसी होती है कि वो अपने माइंड से कोई भी चीज़ें कर सकता है, या फिर ज्योतिष विज्ञान वाले जो लोग होते हैं वो बैलाडोना की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो हमने देखा वो था उसका वायलेंस, बैलाडोना के अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है जो कि हमें रोज़ देखने को नहीं मिलता है। रोज़ तो वो बहुत खुशहाल व्यक्ति होता है, लेकिन कभी कभी हमें उसके अंदर एक अचानक से एक वायलेंस, एक गुस्सा देखने को मिल सकता है जिसके अंदर वो चीज़ें
तोड़ता फाड़ता रहता है। तीसरा पॉइंट जो हमने उसके अंदर देखा वो था उसका मैनिया। उस मैनिया के अंदर हमने देखा थी जब भी बेलाडोना को वो मैनिया होता है, जो उसके अंदर उसको डिल्यूजन हो जाता है, तो वो डिल्यूजन रिलीजियस हो सकता है, सेक्सुअल डिल्यूजन भी उसको हो सकता है, और डिल्यूजन से उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं जिसके अंदर जो कि उसके ऑडिटरी हो सकते हैं या फिर विजुअल हेलुसिनेशन उसको हो सकते हैं, उसे चीज़ें दिखाई दे सकती हैं या फिर उसे चीज़ें सुनाई दे सकती हैं। ऐसे हेलुसिनेशन हमें उसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमने ये भी जाना थी जो बेलाडोना होता है वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में भी जाना जाता है, और बेलाडोना जो होता है वो डे ड्रीम में रहता है, मतलब अपने दिन में ही अपने सपनों में खोया रहता है। आई होप आप बेलाडोना के माइंड को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो बेलाडोना के माइंड को लेके तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। यदि कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो बताने में तो आप उस चीज़ को भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड के ऊपर ऐसी वीडियोस हमेशा लाता रहूँगा ताकि आप जितना हो सके उतनी आसानी से उनके माइंड को समझ सकें। थैंक यू।